पहले तो मुझे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ यानी कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ आके मैंने जाना कि एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट पे किस तरह से किस जगह पे किस तरीके से रिसर्च किया जाता है, ये जाना मैंने। तो पहले तो आए थे हम लोग ऐसा मानते थे वाटर है चलो उसको यूज़ करो, लेकिन इधर आके मुझे सबसे ज़्यादा वाटर टेस्टिंग भी अच्छा लगा, ताकि मुझे पता चले कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं और किस टाइप का पी रहे हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि मुझको जितनी मिलती है उतनी उतना सारा मैं एनवायरनमेंट पे जानूँ और यहाँ से जान के मैं अपने जो यूथ है अहमदाबाद में उन तक मैं पहुँचाऊँ, ताकि वो वहाँ से आगे तक पहुँचा पाए और अपना एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट पे थोड़ा बहुत सुधार आ पाए। ऐसी चट्टानों पे चढ़ना, ऐसी पहाड़ियों में जाना, लोगों के लिए ऐसी मान्यता है कि एक पैर वाला या कोई भी जो चैलेंजिंग है उसके फिजिकल में तो वो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आज वो मान्यता ख़त्म कर दिया। और जो रिसर्च जो साइंटिफिक काम आप लोग कर रहे हैं एज ए सिटीजन, वो काम करके कैसा लग रहा है? वो रिसर्च ऐसे वही साइंटिस्ट हम साइंटिस्ट हो गए ऐसा फील आ रहा है, मगर उससे हमको जानकारी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है। हमने कभी खेती के बारे में नहीं जाना था, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हमें खेती के रिसर्च के बारे में बताया गया, तब हमें पता चला कि जो अनाज हम खाते हैं कि जो भी चीज़ें हम अफोर्ड करते हैं पूरी हमारी लाइफ में वो एक्चुअली में कैसे बनाई जाती है और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये हमें यहाँ रिसर्च करके पता चला है। यहाँ पे एप्पल का जो पहले खेती नीचे हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे ऊपर आने लगी है जो एप्पल की, और ज़्यादातर लोग अभी एप्पल का जो पीसेस थे वो कम होने लगे हैं और वो लोग सब्जी वगैरह वो सब उगाने लगे हैं।